स्वादंतर माला में आप सभी का स्वागत है। फ्रेश रेड टमाटोज बहुत आ रहे हैं, तो आज हम बना रहे हैं टमाटो सॉस। टमाटो सॉस बनाने के लिए हमने 2 किलो फ्रेश रेड टमाटोज, गुदे वाले अच्छे टमाटर होते हैं, उनको धोकर और काट करके रफली चॉप कर लिया है। प्याज हमने 100 ग्राम लिया है, उसको काट लिया है। अदरक 40 ग्राम ली है, उसको काट लिया है। लहसुन 20 ग्राम लिया है, को भी रफली काट लिया है। 140 ग्राम चीनी ली है। नमक हमने करीब 30 ग्राम लिया है। 2 टीस्पून साइट्रिक एसिड लिया है, जिसे नींबू का सत भी कहते हैं। जीरा हमने लिया है 10 ग्राम, दालचीनी 2 ग्राम, 2 मोटी इलायची ली है, 4 हमने लौंग ली है, 8 काली मिर्च ली है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च ली है और 1/4 टीस्पून हमने ऑर्गेनो लिया है। ऑर्गेनो हमने फ्लेवर के लिए लिया है, ये ऑप्शनल है। आधी से हल्की सी कम टीस्पून सोडियम बेंजोएट लिया है और एंड में हम विनेगर यूज करते हैं। आप वाइट विनेगर भी ले सकते हैं, मैंने चिली विनेगर लिया है, इसको मैं 1/4 कप यूज करूंगी। तो आइए हम टमाटो सॉस बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं टमाटर को बॉईल होने के लिए चढ़ाऊंगी। इसी में मैं अदरक लहसुन भी प्याज भी मैं डाल रही हूँ टमाटोज में, और अब इनको हल्का सा मैं दबा दे रही हूँ, जिससे टमाटर का थोड़ा जूस निकल जाएगा तो नीचे से चिपकेगा नहीं। इसके बाद मैं ढक्कन बंद करके इनको एक विसिल आने के बाद सिम कर दूंगी और 2 मिनट और पकने दूंगी, उसके बाद मैं गैस बंद कर। मिर्ची और जो भी साबुत मसाले थे, जीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और मोटी इलायची, इनको मैं मिक्सी में पीसूंगी बारीक। हमने 300 ग्राम पानी लिया है और ये स्पाइसेस जो पीसे, अब मैं इनको 10 मिनट तक हम धीमी आंच पे पकने देंगे। टमाटर पक गया है, इसको अब हम मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे और पीस करके फिर छानेंगे। छान कर हम सभी के छिलके बीज सब रिमूव कर देंगे और सभी को छान लिया है। फ्लेम तेज कर रखी है। लगभग 2 किलो टमाटर से 1 बड़ी बॉटल टमाटो केचप तैयार होता है। थोड़ा इसका पानी रिड्यूस हो जाएगा, तभी हम बाकी चीज़ें डालेंगे। मैंने फ्लेम हाई कर रखी है। मैंने बहुत बड़ी कढ़ाई में इसको चढ़ाया है, क्योंकि इसमें से बहुत छींटे उछलते हैं और उफन भी सकता है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा तिरछा इसको ढकूंगी, थोड़ा खुला रहने दूंगी और इस तरह से मैं 10 मिनट के लिए इसको पकने दूंगी। 10 मिनट ढक के पकते हुए हो गए। इसका ढक्कन ध्यान से उठाएंगे, ढक्कन गर्म होगा। सॉस काफ़ी रिड्यूस हो गई है और इसमें अब हम जो हमने लाल मिर्च, जीरा, लौंग, काली मिर्च सबको बॉईल किया था पानी में, उसको मैं इस सॉस में छान के डाल रही हूँ। और अब हम सॉस को हिलाएंगे। फ्लेम को अभी भी मैंने मीडियम हाई कर रखा है और सॉस को अभी और रिड्यूस होने देंगे। अब मैं इसमें नमक भी डाल रही हूँ। थोड़ा और रिड्यूस होने के बाद ही मैं इसमें चीनी डालूंगी। 5 मिनट पकते हुए हो गए। पहले 10 मिनट ढक के पकाया, फिर 5 मिनट और हमने ढक के पकाया। स्पाइसेस हमने पहले डाल दिए थे, अब मैं चीनी डाल रही हूँ मीडियम हाई करके और इसको फिर से 5 मिनट पकने दूँ। ट्रिक एसिड लिया था, वो दानेदार है, तो उसको हम थोड़ा बारीक पीसेंगे। और जो मैंने 1/4 टीस्पून ऑर्गेनो लिया है, वो ज़्यादा कम होने से टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। दोनों को साथ में पीस लूँगी। ढक्कन उठाते वक्त ध्यान रखें कि हाथ ना जल जाए। चीनी डालकर हमने 10 मिनट ढक के पकाया और अब मैं साइट्रिक एसिड और ऑर्गेनो दोनों डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसको हिलाऊंगी। छींटे बहुत उछलते हैं इस समय, आप ध्यान रखें। गैस सिम कर दें जब सब कुछ डालना हो। 1-2 मिनट चलाते चलाते अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं सोडियम बेंजोएट ये भी मैं डाल रही हूँ। इसको आप ऐसे डालें तो बहुत अच्छी तरह मिक्स करें, वरना एक कटोरी में आप थोड़ी सॉस लेकर के उसमें ये मिक्स करके भी डाल सकते हैं कि इसकी गांठ ना बने। इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स करना होगा। फ्लेम मैंने डालते वक्त सिम कर दी थी और मैं ढक करके 5 मिनट और पकने दूंगी, उसके बाद हमारी सॉस तैयार हो जाएगी। कर पकाते हुए 5 मिनट हो गए और अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। ढक्कन को सावधानी से उठाएँ, हाथ ना जले। और इसके अंदर आप 1/4 कप चिली विनेगर इसमें ऐड कर रही हूँ। सिंपल वाला वाइट विनेगर भी ले सकते हैं। तो नमक और चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करें। हमारी सॉस बिल्कुल तैयार है। मैं अब बॉटल में भरूंगी। बॉटल मैंने स्टरलाइज करके रखी और बॉटल को ऐसे 2-3 बार सब तरफ घुमा रही हूँ, इससे बॉटल चारों तरफ से गर्म हो जाए। कोई भी सॉस और जैम की पुरानी बॉटल ले लें, कोई दूसरी बॉटल ना लें, क्योंकि गर्म सॉस भरने से बॉटल टूट सकती है। और प्लास्टिक की बॉटल ना लें, क्योंकि हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती। फिर बॉटल को मैं अच्छी तरह से इसे घुमाऊंगी, नहीं तो कांच की बॉटल फूट सकती है।
उसके बाद हम बॉटलों को एयरटाइट बंद करेंगे। इसके लिए एक मोमबत्ती लेंगे और बॉटल का ढक्कन लेंगे। ढक्कन के अंदरूनी किनारों पर मोम की कुछ बूंदें डालेंगे। इस तरह से जब हम उसमें एक मोम की एक लेयर क्रिएट हो जाती है और इस तरह से जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो बॉटल एयरटाइट बंद हो जाती है। ध्यान रहे मोम ढक्कन के बीच में ना गिरे। हमारी सॉस बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। हमने किसी कलर का यूज़ नहीं किया है। तो आप लोग भी इस तरह से सॉस बनाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।